जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आमतौर पर मानसून का औपचारिक आगमन मध्य प्रदेश में 14 जून को होता है, लेकिन पहले जून में और फिर अगस्त के महीने के अंतिम सप्ताह में सामान्य से अधिक वर्षा हुई और अभी तो 27, 28, 29 और 30 अगस्त को, विशेषकर 28 और 29 को दक्षिणी मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, विदिशा बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले जो बारिश मध्य प्रदेश में सामान्य से काफी नीचे थी, लेकिन अब सामान्य से 51% सीहोर जिले में अधिक हो गई, रायसेन में 38% हो गई, 24 घंटे में अकेले होशंगाबाद में 34 सेंटीमीटर वर्षा हुई। और इसके कारण एक तरफ छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में, पैंच नदी और बाकी नदियों में, क्योंकि बांध सारे फुल थे, बांधों का पानी छोड़ा गया, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, वहीं तीसरी तरफ नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई। इस पूरे क्षेत्र में अनेकों शहर और गांव में पानी घुस गया, कई गांव जलमग्न हो गए और कई जगह लोग अपने गांव में घिर गए। एक साथ बरगी, तबाब, बारना, इन सब से पानी भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि डैम्स ओवरफ्लो हो रहे थे और उसके कारण होशंगाबाद में पानी 982-83 फीट, खतरे के निशान 964 है, को क्रॉस कर गया और नर्मदा जी के दोनों तरफ, विशेषकर होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिलों में इस पानी ने तबाही मचाई। कई शहर और गांव, सहायक नदियां का पानी चूंकि रुक गया, नर्मदा जी में पानी काफी आ जाने के कारण बारना का पानी बरेली में घुस गया, होशंगाबाद के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए, साहेगंज में पानी घुसा और फिर दोनों तरफ के अनेकों गांव में पानी ने तबाही मचाई। कल परसों रात से ही हमने राहत और बचाव के काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किए। आज की स्थिति में भी बरगी, तबा, बारना, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, इनके सारे गेट खुले हुए, तबा के अब हमने बंद किए क्योंकि कैचमेंट एरिया में पानी कम किया है, अब बारिश में कमी आई है। भारी बरसात के कारण पिछले दो दिनों में, तो परसों रात से हमने काम प्रारंभ किया, कल दिन भर चला और रात भर भी हमारे सारे कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एसडीएम्स, तहसीलदार, पुलिस के हमारे आईजी हो, एसपी हो, एसओ, टीआई स्तर तक के लोग हो, हमने एनडीआरएफ की टीमें मंगवाई,
एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमों को सक्रिय किया। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयर लिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी, और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले दो दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों से 7,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला, 170 राहत शिविर प्रारंभ किए हैं जिनमें लगभग 9,300 लोग अभी रह रहे हैं, 40 गांवों से लगभग 1,200 लोगों को अभी और निकाला जाना है, और उसमें भी हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। रात भर मैं भी कंट्रोल रूम में बैठा रहा, यहीं पे कंट्रोल रूम हमने बनाया, और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी टीम लगातार काम करती रही। कल ही हमने छिंदवाड़ा जिले में भारतीय वायुसेना की सहायता से सवेरे 1 और शाम को फिर 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट किया था। बालाघाट में आज सवेरे सवेरे 3 लोगों को, बालाघाट के खैरलान जी के पास एक गांव था, वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया है। सीहोर जिले के सोमलवाड़ा में गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, लोग घिरे हुए थे। कल हमने वोट से कोशिश की थी और कमिश्नर और आईजी भोपाल लगभग 2 किलोमीटर पानी में से होते हुए वहां पहुंच गए थे। कुछ लोगों को नाव से निकाल पाए, लेकिन चूंकि रात हो रही थी और महिलाएं बच्चे थे तो बड़ी रिस्क नहीं ली जा सकती थी, लेकिन आज सवेरे से सोमनवाड़ा से 62 लोगों को एयरलिफ्ट करके सेना के हेलीकॉप्टर से साहेबगंज पहुंचा दिया गया है, और बाकी अब थोड़े लोग बचे उनको भी निकालने का काम जारी है। रायसेन जिले के भौती से जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, एयरलिफ्ट का काम चल रहा है। मेरी जानकारी तक 10 लोग निकाले जा चुके थे, बाकी को निकाल रहे थे। उसके बाद तरी नाम का एक गांव है, वहां से भी हम लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। सुरानिया जैसे गांव में भी जरूरत पड़ी और होशंगाबाद के हमारे 2-3 गांव और हैं जहां एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, वहां से भी हम लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। बमोरी में भी एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ सकती है, तो वहां से भी एयरलिफ्ट करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस दौरान हमने जो युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किए उसमें मुझे होशंगाबाद के धानावर से अभी हमको लोगों को एयरलिफ्ट करना है। हम लोग नाव से भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम भी और एसडीआरएफ की टीम भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने में लगे। कल नरेला नाम के गांव से रात को 2:30 बजे 5 लोगों को कोलार नदी से निकाला गया, तो नाव से भी अपनी जान पे खेल कर लोगों को निकालने के काम में हमारी एसडीआरएफ, हमारे होमगार्ड्स, हमारे पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम की, क्योंकि अब आर्मी की भी हमने
जो कंपनियां मांगी थी, दो कंपनियां सीहोर जिले में, दो कंपनियां रायसेन जिले में, ये पहुंच रही हैं। होशंगाबाद में काम शुरू कर दिया है सेना ने। एनडीआरएफ के भी चार दल हमारे सक्रिय हैं। चार अतिरिक्त दलों की हमने मांग और की है। तीन वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से एयरलिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। दो और हमने मांगे हैं तो वो भी बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। मैंने रात को माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा की थी, आज सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके उनको पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की बाढ़ की स्थिति की दी और उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। एक घटना का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। इस संकट की घड़ी में जवानों ने जान पे खेल के जो काम किया है, ग्राम बालाबेट होशंगाबाद में कल नर्मदा जी के पानी का बहाव बहुत तेज था, गांव पूरी तरह से कट गया। दो माह और पांच माह के बच्चों सहित चार लोगों का परिवार पूरी तरह से फंस गया था। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रात में ऑपरेशन किया क्योंकि बरसात के कारण बच्चों की भी जान बचाना जरूरी था। मूसलाधार बारिश के दौरान उन्हें एक नाव के माध्यम से निकाला और फिर नाव को ही उल्टा करके छाया की गई, बच्चों को पानी से बचाया। एसडीआरएफ के लीडर प्लाटून कमांडेंट श्री राजकुमार कटारे ने और उनकी टीम ने अद्भुत काम किया। पास के थाने को गूगल लोकेशन भेज दी और थाने ने व्यवस्था कर फिर गाड़ी भेजी और कमर के बराबर पानी से भी चल के बच्चों को बचा के वहां की एक फैक्ट्री में सुरक्षा दी गई। बालाबेट के सरपंच ने भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसे सभी काम करने वाले अफसर जवानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक का तो मैंने आपसे यहां जिक्र किया है। राहत की बात फिलहाल यह है कि अभी बारिश का पानी थमा है। बांध से भी मैं, जैसा मैंने बताया, दबा से डिस्चार्ज कम किया है, इसलिए धीरे धीरे पानी अभी नीचे आ रहा है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बारिश फिर हो सकती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस दौरान लोगों को निकालकर उनकी जान बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। पहला लक्ष्य था हमारा, लोगों की जान बचे। उसमें फंसे लोगों में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, यह मेरे लिए संतोष की बात है। अलग अलग जगह कहीं कोई पुलिया से निकल गया, बह गया, इस तरह की घटना जरूर हुई। एक पंचायत सचिव रायसेन जिले में बहे हैं, कच्चे मकान गिरने के कारण उस जगह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, वो भी बहुत कम मात्रा में है। कटनी जिले में एक जगह और, लेकिन हम लोगों की जान बचाने में डूबने नहीं दिया, सफल रहे। आज जो सिस्टम है पूरा बारिश का, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है और संभावना है 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, ये जो पश्चिमी इलाका है, वहां प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। पिछले साल गांधी सागर बांध का पानी काफी देर से छोड़ा गया था, इसके कारण भारी तबाही हुई थी। अभी गांधी सागर बांध 2 मीटर खाली है, लेकिन हमने फिर भी पानी का डिस्चार्ज भारी बारिश को देखते हुए प्रारंभ करा दिया है ताकि अचानक भारी बारिश से पानी इतना ना भर जाए कि फिर डूबने के कारण तबाही मचे। पश्चिम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से सतर्क किया है। मैं स्वयं कल भी मैंने विपरीत मौसम में प्रयास किया था,
कुछ स्थान पर पहुंचे, लेकिन लो क्लाउड्स होने के कारण नीचे संपर्क नहीं हो पाया। आज मैं फिर अति भारी बाढ़ में जो गांव फंसे हैं उनका हवाई सर्वे भी करूंगा। यहां से सीधे मैं वहीं जा रहा हूं और उसके बाद वहां से लौटने के बाद फिर शाम को, मेरी चिंता है अगर बाढ़ का पानी उतरा तो बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग, इनके साथ फिर शाम को बैठक करूंगा, एक बार फिर बाढ़ की स्थिति का जायजा लूंगा। कोशिश भरसक यही है कि इस तबाही से हम लोगों को निकालें, पहले पानी उतरे, लोग डूब ना पाए, बचें, राहत शिविरों में व्यवस्था ठीक करें कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और बाद में फिर व्यवस्थापन के काम को हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। फसलें भी व्यापक पैमाने पर खराब हुई हैं, तो उसमें भी किसानों को राहत देने के काम का प्रारंभ किया जाए। अभी तो मैं नहीं कह सकता, देखिए अभी तो तबाही मची ही है, पानी अभी निकला नहीं है, और इसलिए हम पानी उतरने का इंतजार करेंगे, उसके बाद क्षति का आकलन करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से हम इनके पुनर्वास की फिर से व्यवस्था करें। देखिए पूरी कोशिश है कि राहत शिविर में भी स्क्रीनिंग करके हम लोगों को रखें, स्वच्छता और बाकी व्यवस्थाएं बना के रखें, आपातकाल एक तरह से, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे, कोरोना से भी निपटेंगे और बाढ़ से भी निपटेंगे। किसानों को राहत के लिए कितनी प्लानिंग की? देखिए ये मेरी सरकार है, जो जनता के लिए, किसानों के लिए, इसलिए एक तो फसल बीमा योजना का लाभ 31 अगस्त तक हमने तारीख इसलिए बढ़वाई थी कि कई किसान रह गए थे, और दूसरे आरबीसी 6-4 का लाभ, ये दोनों देके हम उसके नुकसान की भरपाई करेंगे। अभी तो तत्काल फसल का सर्वे मुश्किल है, पानी उतरने जीतती है, लेकिन जहां भयानक बाढ़ नहीं है वहां सर्वे का काम हमने पहले प्रारंभ कर दिया था। मैं परसों खराब फसलें देखने ही निकला था। अभी 8 कच्चे मकान गिरने के कारण, और मैंने कहा कि जैसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना निकलते समय कुछ लोग मानते नहीं है कहने के बाद भी, और रपटे अब पुल पर से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय की जो त्रासदी हुई है उसमें अभी तक 8 की, लेकिन और भगवान ना करे समाचार आए, लेकिन और जानकारी। आज मैं केवल बाढ़ पर बात करूंगा, उसकी धन्यवाद। मैं यही बता रहा हूं कि भयानक कम संकट था, लेकिन संतोष की बात यह है कि सबके प्रयासों से हमने जान की क्षति नहीं होने दी, नुकसान नहीं होने दिया। अब माल का देखेंगे, फिर भरपाई करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।